हमारे बीच में डॉक्टर शशि प्रताप बोध जी, जो सम्राट अशोक का किरदार बड़े अच्छे धूमधाम से निभा रहे हैं, और सभी पूरी टीम के साथ में आप देख रहे हैं। आइए हम जानकारी लेते हैं, और उन्होंने डॉक्टरेट भी ऐसे सब्जेक्ट से किया है जो इस सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस मन के अंदर अगर ऐसे भाव आते हैं, अपने समाज को जगाने के भाव आते हैं, वो कहीं ना कहीं उभर के आते हैं। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर शशि प्रताप बोध जी, आप इस सम्राट अशोक का ये किरदार निभा रहे हैं, तो आपको ऐसा कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ, और आपने तो ज्योग्राफी के अंदर डॉक्टरेट किया है। सर, बहुत सही सवाल किया है सर आपने। मेरे बचपन में ही, हम लोग बुद्धिस्ट हैं, और बचपन से ही मेरे अंदर अभिनय का, डांस का, नृत्य का एक जुनून है, और बुद्धिज़्म होने के नाते, बौद्ध होने के नाते, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज में मेरे ही जैसे बहुत सारे कलाकार उपस्थित हैं, मगर उन्हें अच्छा मंच नहीं मिल पाता है। और मैं समाज का जो प्राचीन वास्तविक कल्चर था हमारे समाज का, उसी वास्तविक कल्चर को अपने अभिनय के द्वारा, अपने नृत्य कलाओं के द्वारा, मैं उसको फिर से जगाना चाहता हूं, और लगातार बाबा साहब, भीमराव अंबेडकर और गौतम बुद्ध का एडवर्टाइजमेंट या फिर अंबेडकरवाद को फॉलो करने के लिए मैं लगातार इस कार्य पर प्रगतिशील रहूँगा। बोध जी, अगर ये आप इस तरीके के किरदार निभाते हैं, कि क्या अभी किसी प्रकार से आपको कहीं कोई अड़चन पैदा हुई? हाँ, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि, जैसे कि मैं पेशे से शिक्षक हूँ और मैंने ज्योग्राफी में PhD किया है, और उनको जो मेरे साथ के शिक्षक हैं वो कलुषित मानसिकता के हैं, वो संकीर्ण मानसिकता के हैं, उन्हें ये अभिनय कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, और कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि एक शिक्षक क्या अभिनय करने के लिए है या डांस करने के लिए है। तो एजुकेशन के बारे में भी मैं यही कहना चाहूँगा, सभी शिक्षकों को मेरा संदेश यही रहेगा कि वो अगर अभिनय और नृत्य और खेल के माध्यम से अगर बच्चों को वो शिक्षा देंगे, तो उनके लिए बहस शिक्षा शिक्षा ही नहीं बल्कि सुशिक्षा होगी, सुशिक्षा होगी, जो कि अंबेडकर ने भी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी यही कहा था कि शिक्षित नहीं होना है, हमें सुशिक्षित होना है। सुशिक्षा का मतलब यहाँ पर ये मैं बता देना चाहता हूँ कि शिक्षा बहुत सारे लोग लेते हैं, शिक्षा हर तरह की होती है, शिक्षा हर क्षेत्र की होती है, मगर उसी को एक अच्छे ढंग से स्वीकार करना, एक अच्छे ढंग से सीखना, वह सुशिक्षा होती है। तो ये आपके साथ में जो ये बच्चे हैं, ये स्टूडेंट हैं, ये मतलब ये इनको आप ये ट्रेनिंग दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं? जी जी मनोज जी, मेरा अभिनय में इतनी रुचि है, और ये बच्चे मेरी उस रुचि से प्रभावित होकर हम लोग बरेली के बुद्ध विहार में हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, और ये बच्चे सारे एजुकेटेड बच्चे हैं। ये लोग भी बहुत, जैसे कि मैंने PhD किया है ज्योग्राफी में, वैसे ही इन बच्चों ने भी BEd किया है और MA कर रहा है, कोई BA कर रहा है। ये मेरे निर्देशन में बहुत अच्छी शिक्षा, मैं इनको शिक्षित भी करता हूँ, और डांस, नृत्य, अभिनय के माध्यम से एक अंबेडकरवाद को फैलाने का काम करता हूँ। बहुत अच्छी बात। आपका नाम? मेरा नाम अभिनीत सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ जी, क्या कर रहे हैं आप? मैं इस समय BCOM कर रहा हूँ, मैकेनिकल डिप्लोमा कर रहा हूँ सर। मैकेनिकल से डिप्लोमा कर रहे हैं। तो ये आपके मम्मी पापा ये नहीं कहते कि बेटा तू इन पचड़े में क्यों फंस गया, ऐसे काम से क्या फायदा है, तो मैं नौकरी करनी चाहिए, तो मैं अच्छा अधिकारी बनना चाहिए? एक्चुअली क्या, मैं भी अंबेडकरवादी हूँ, तो मेरे फैमिली भी अंबेडकरवादी है, तो वो हमें शिक्षित करते हैं कि आप जाओ डांस करो, बाबा साहब को प्रैक्टिस करो। हम हर जगह प्रोग्राम में जाते हैं, हमें बुलाते हैं, बाबा साहब पे, गौतम बुद्ध पे गाने हम लोग डांस करते हैं, हम और लोगों को जोड़ते हैं। एक्चुअली हमारे भाई अभी आए नहीं है, अभिजीत सिद्धार्थ नाम है उनका, वो भी आए नहीं, वो भी सब कोरियोग्राफर है, सबको प्रभावित करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, बातचीत कराते हैं कि आप आएँ, आप लोगों से बातचीत करें, डांस करें, और बहुत सी अच्छी चीज़ें बच्चे, जैसे लोगों को सामान, बच्चों को सामान देना, कपड़े देना, और एजुकेशन में पैसों से देना, सब कुछ हम क्लिक करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? माय नेम इज विपिन कुमार। विपिन कुमार, आप तो इंग्लिश में बोल रहे हैं माय नेम इज, मैंने पूछा नाम क्या आपका, तो आप कह रहे हैं माय नेम इज विपिन कुमार। तो विपिन जी, क्या करते हैं बेटा आप? मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। कक्षा 8 में पढ़ते हैं, तो ये आपको डांस करने के लिए आपके गुरु जी कितना टाइम लेते हैं आपका? जब तक प्रैक्टिस नहीं होती है तब तक लेते रहते हैं। जब तक प्रैक्टिस नहीं होती है तो प्रैक्टिस में कितना घंटा, 2 घंटा? 2-3 घंटे लग जाते हैं। और पढ़ाई में कितना टाइम देते हैं आप? पढ़ाई में 4 घंटे। 4 घंटे। आपका नाम बेटा? माई सेल्फ प्रियांशु कुमार। प्रियांशु, हाँ। तो प्रियांशु आपके कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 8th क्लास में। तो आप प्रैक्टिस कितनी देर करते हैं?
सर इन्हीं के साथ में करते हैं, जितनी देर ये लोग करते हैं उतनी देर हम ही लोग करते हैं। ये तो कहते हैं घर से आते नहीं है, तो ये तो तुम कितनी देर करते हो? दो तीन घंटे। और पढ़ाई में कितना टाइम देते हो? पढ़ाई में तीन घंटा देते हो। पढ़ना भी है इसके साथ साथ, डांस के साथ साथ पढ़ना भी है। आपका नाम? तनुज गंगवार। गंगवार, क्या करते हैं आप? हम बीकॉम फर्स्ट ईयर में हैं। बीकॉम फर्स्ट ईयर में, तो आपकी इच्छा क्या है? मेरे हमेशा डांस बनने, डांस में ही इच्छा रही है। डांस में? हाँ, और सर के साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। तो आपकी इच्छा है कि मैं बॉलीवुड में जाऊँ? हाँ सर। हैं? यस सर। डांस के माध्यम से? हाँ। तो ये चैनल आपको हो सकता है कि आपको पूछा, इस चैनल ने अभी तक का करीब करीब शशि प्रताप जी 5 लोगों को बॉलीवुड में पूछा है। आपका? मैं सर विक्की बोध। विक्की बोध, विक्की बोध जी, आपके तो बाल बड़े ऐसे जैसे, क्या इनको आपके वो गुरु जी मने नहीं करते इस तरीके के बाल बाल रखने से? नहीं, मैं बीएससी बायोटेक फाइनल का स्टूडेंट हूँ। मेरे जो एचओडी हैं उनसे पहली बात कर लेती कि मुझे डांस बहुत पसंद है, जितना मैं पढ़ाई में टाइम देता हूँ उतना डांस में देता हूँ। घर पे पढ़ाई भी करता हूँ तो फिर भी हाथ हिलते रहते हैं मुझे।